देखो मेरे भाई, मैं सच में बता रहा हूँ, आपको कबाड़ से स्पीकर बनाने के कुछ ही सामान चाहिए जो आपको घर में इजीली मिल जाएगा। देखते रहिए आप इस वीडियो को और बनाइए कबाड़ से एक स्पीकर और अच्छा खासा चलने वाला स्पीकर। ये अपना इतने सारे कंपोनेंट हो गए और इसमें से एक रजिस्टर चाहिए जो कि हमें चाहिए। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमें कबाड़ में से केवल एक ही USB चाहिए, एक एन चैनल का कोई सा भी मॉसफेट ले लीजिए और एक इस टाइप से आपको ये ऑडियो जैक चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों से, और एक 1K का रजिस्टर, ठीक है। इसको हम बना ले सकते हैं, इसको आप 12 वोल्ट से भी चला सकते हैं और 3.7 वोल्ट भी चला सकते हैं। आज हम लेकिन USB से चलाएंगे। मैं डायग्राम के थ्रू आपको पहले बता देता हूँ क्या करना है। आपको एन चैनल वाला मॉसफेट लेना है, इसमें 3 लेग होती है, ठीक है। पहले लेग में आप कंडेंसर लेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास कंडेंसर है, कंडेंसर में 2 लेग है, माइनस वाला लेग बाहर रहेगा, प्लस वाले लेग को इसके साथ अटैच कर दीजिए, ठीक है। और सेकेंड स्टेप, आपको ये फर्स्ट स्टेप अटैच कर देना है, सेकेंड स्टेप आपका जो रजिस्टर है 1K का रजिस्टर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। इतना कनेक्ट करिए और उसके बाद हम बताते हैं एन चैनल का। मेरी राइटिंग पर ध्यान मत दे क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लिखना चाहता, इसलिए मेरी राइटिंग ख़राब है। इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं क्या पता करना है आपको। एक कैपेसिटर है, देख सकते हैं मेरे भाई, तब मैंने ये कनेक्ट कर लिया है जी। ये सिंपली मॉसफेट लगा है, मॉसफेट में एक कंडेंसर लगा है जिसका प्लस वाला मॉसफेट के राइट साइड में है, ओके। और रजिस्टर को फर्स्ट और सेकंड वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे आप देखते जाइए, कनेक्ट कर दीजिए और बन जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या करना है अपने को। देखो ये हो गया था आपका मॉसफेट, ये हो गया था रजिस्टर, ये हो गया था कंडेंसर, ठीक है। तो अब इसके पास आपको केवल ये करना है कि आप इसके बाद ऑडियो जैक का कनेक्शन करना है। 3.5 mm का जो जैक होता है उसका कनेक्शन करना है। तो 3.5 mm जैक क्वालिटी का कनेक्शन एक इसमें करना है और एक इसमें करना है, ओके। आप ध्यान से देखिए, मॉसफेट के थर्ड वाले लेग में करना है और कंडेंसर के फर्स्ट वाले लेग पे। इधर आपको प्लस वाली वायर कनेक्ट करनी है, इधर माइनस वाली, ठीक है। देख पा रहे हैं मैंने, ये ऑक्स केबल है मेरे पास, ऑक्स केबल के 2 वायर आए थे, ये 2 वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। एक ये कंडेंसर के फर्स्ट वाले लेग पे, सेकंड मॉसफेट के थर्ड वाले लेग पे। उल्टा है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, कंडेंसर का फर्स्ट वाला लेग, मॉसफेट का थर्ड वाला लेग में इस साइड पे माइनस, कंडेंसर के थर्ड सॉरी मॉसफेट के थर्ड वाले लेग में माइनस, कंडेंसर के फर्स्ट वाले लेग में प्लस। यहाँ पे देख सकते हैं कंडेंसर के फर्स्ट वाले लेग में प्लस, मॉसफेट के थर्ड वाले लेग में माइनस, ओके। अब हम आ जाते हैं स्पीकर के कनेक्शन में। तो स्पीकर का कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये अपन का स्पीकर है, मेरा राइटिंग और दोनों ही बेकार है तो कृपया इसको इग्नोर करें। ये अपना प्लस का हो गया सिंबल, ये माइनस का। तो बैटरी का जो माइनस वाला सिंबल है मॉसफेट के बीच वाले लेग में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बस स्पीकर का कनेक्शन हो गया, मॉसफेट के बीच वाले लेग में स्पीकर का माइनस, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब इस वाले स्टेप में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये अपना पहले अपन क्या बताए थे कि आपके मॉसफेट के बीच वाले में स्पीकर का माइनस वाला अटैच करना है। तो मॉसफेट का ये बीच वाला लेग हो गया, नज़दीक से आपको दिखा देना चाहता हूँ। मॉसफेट का बीच वाला लेग है जिसके साथ रजिस्टर कनेक्ट है, रजिस्टर से यही वाला वायर है जो कि डायरेक्ट आ गया है अपने स्पीकर में। अब ये अपना आखिरी स्टेप है। और जो स्पीकर का एक वायर है ये प्लस वाला जो स्पीकर का वायर है, स्पीकर का माइनस ही बीच वाले में जुड़े मॉसफेट के, और स्पीकर का जो प्लस वायर है बैटरी के प्लस पे जाएगा, और जो अपना मॉसफेट का थर्ड लेग है ये अपन का माइनस में जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसमें बता दूँ, देखिए इसमें मैं आपको आप सिंपल सिंपल डायग्राम के उसमें बता देता हूँ। एक पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है।
ये अपना मॉस्फेट है, मॉस्फेट में एक 1K का रजिस्टर लगा है फर्स्ट वाली लेग में और सेकंड वाली लेग में। फर्स्ट वाली लेग से एक कंडेंसर अटैच है जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट 47 यूएफ। कंडेंसर से एक वायर किया है ऑडियो पिन के एक वायर पे, ओके ऑडियो पिन के प्लस वायर पे, कंडेंसर का माइनस वाला वायर ऑडियो वाले प्लस पिन पे गया है। ऑडियो वाले से ही एक पिन का जो वायर है वो बैटरी के माइनस में गया है, ओके। और मॉस्फेट के बीच वाले लेग से स्पीकर के एक माइनस वाले लेग में गया है, ठीक है। और स्पीकर के एक लेग से जो है बैटरी का प्लस वाला लेग अपने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन पूरा हो गया और जो ऑडियो का माइनस वाला लेग था वो मॉस्फेट के थर्ड वाले लेग में भी अटैच रहेगा। ये आपका कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हैं मैंने एक सर्किट ये वाला बना लिया, वीडियो में आपको पता चल गया होगा। स्पीकर से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं स्पीकर से अपना एक वायर निकला है जो कि हम अभी USB से कनेक्ट करके रखे हैं। आप इसको किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी से USB से दोनों से ही चलेगा, काम करेगा। जी ये जैसे मेरा सर्किट आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट है। यहाँ से मैंने बटन ये ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे पावर आ गई, अब इसको पावर मिल गई ऑक्स केबल मोबाइल से। अब देख सक रहे हैं अच्छे तरीके से बज रहा है, अभी अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं था, अब बज रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा है। ऐसे सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं और लाइक भी कर दीजिए, जैसे मैंने इसको दबा के लाइक किया आप भी लाइक कर दीजिए। और देख सकते हैं म्यूज़िक बज रहा है, आप भी इसको घर में ऐसे तरीके से बना सकते हैं।